जब मैं कॉलेज से निकला था तो ये कहीं ना कहीं तो दिमाग में था कि यार जल्दी पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है एंड जॉब करके तो मैं नहीं कमा पाऊंगा। मुझे याद है मैंने एक बहुत बड़ा ईमेल लिखा था अपने पापा को, जिसमें मैंने अच्छा प्रॉपर लिखा था कि मैं दुनिया के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा मैं इस अर्थ पे आया हूँ तो मेरा क्या पर्पस होना चाहिए या फिर मैं अपनी लाइफ कैसे देखता हूँ। $1 बिलियन प्लस कम, मतलब बहुत सारी कंपनीज आपके आती है, अच्छे फाउंडर, अच्छा मार्केट, बट आपको वो कन्विक्शन नहीं होता कि ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। पर मेरे लिए वो आई थिंक वो रिस्क लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेट लेना। बट मुझे लगता है कि यार फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज द बिग थिंग आई वुड से, कि अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारी लाइबिलिटी है, तुम्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है अपने माँ बाप को, देन आई वुड से कि मे बी एक जॉब करके थोड़ी फाइनेंशियल बैकिंग बना के एक फ्री माइंड से फिर तुम स्टार्टअप कर सकते हो। तो फिर उन्होंने हमें ऑफिस में एक साइड में जगह दी, वहीं हम सोते थे, 3 स्लीपिंग बैग ले लिए हमने और उसी में सोते थे। उनके ऑफिस में बुफे लंच लगता था अच्छा एम्प्लॉयज के लिए, तो वो ही खा लेते थे। हम भी उनके वॉशरूम में एक शावर वगैरह और वो सब था तो वही नहा लेते थे, वहीं रहते थे, सोते थे वहीं उनके ऑफिस में पूरे टाइम। अच्छा हर्ष, ये पॉइंट मतलब कैसे पता चले कि मतलब एक जब लोगों को आइडिया मिलता है तो उसमें इतना जुट जाते हैं कि दे डोंट रियलाइज कि कभी इसे गिवअप करना है या फिर कभी इसे छोड़ना है। मतलब कभी कभी आइडिया छोड़ना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो पॉइंट का पता कैसे चले? यार ये आई थिंक बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं खुद इससे बहुत स्ट्रगल किया हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चिलमिजाज, एंड टुडे वी हैव हर्ष विद अस। ही इज़ माई सीनियर एंड फाउंडर ऑफ ओके क्रेडिट। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत थैंक्स सर। है। हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से एपिसोड शूट करना चाह रहे थे, तो फाइनली वी आर हेयर, सो गुड टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू। पर सेम। यार हर्ष, मतलब सिंस आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम पास्ट 2-3 मंथ्स, अब बंदे बड़े कमाल के हो। मतलब एवरी वीक एवरी मंथ न्यू लोकेशन, एंड देन मतलब कैसे मैनेज करते हो ये सब? एंड दूर से इट लुक्स लाइक फिल्मी। मतलब मैंने काफ़ी फाउंडर्स को देखा है, पर आप हमेशा मतलब वर्किंग फ्रॉम होम, तो आपके केस में ये चीज़ मैंने देखी है। तो टेल अस अबाउट दिस एक्सपीरियंस एंड लाइफ। सर मैंने मतलब मैं भी पहले 2014 में कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद बैंगलोर चला गया था और फिर बैंगलोर में ही शुरू में जॉब की और वहीं पे अपनी स्टार्टअप जर्नी चालू की। तो जब तक कोविड हुआ था 2020 तक हमारा भी वैसा ही माइंडसेट था, रोज़ ऑफिस जाते थे, ऑफिस में ही दिन रात रहते थे, सोते थे, वैसे ही काम करते थे। और उससे पहले शायद ये रिमोट वर्किंग वाला ख्याल कभी आया भी नहीं था। 2020 में जब कोविड हिट हुआ और सब लोग ऑफिस बंद करना पड़ ही गया और फिर सब लोग अपने घर चले गए, वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे थे, तब हमें रियलाइज हुआ कि यार ये चीज़ हम एक्चुअली कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी कंपनी इज मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ आर वर्क इज डेवलपिंग द एप्लीकेशन, कोड लिखना, पार्टनरशिप्स करना। नाउ सिंस वी हैव गॉटन इनटू लेंडिंग तो थोड़ा ऑपरेशनल काम भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द वर्क इज स्टिल कैन बी हैंडल रिमोटली। तो तब ये चीज़ दिमाग में आई और उसके बाद जब ये करना चालू किया तो फिर ऐसा लगा कि एक नई दुनिया देख ली है, राइट? एंड फिर मतलब वही उसमें टीम चाहते रहा। हाँ, मुझे बाहर से देख के लगता था कि ये सीईओ है या फिर इन्वेस्टर है। अच्छा हर्ष, हाउ डिफिकल्ट इट इज मतलब एक नोमेड लाइफ अफोर्ड करना? यार एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो मेरे लिए नोमैड लाइफ इज लेस एक्सपेंसिव देन इफ आई वर लिविंग इन अ बिग सिटी। तो उससे पहले मैं जैसे बैंगलोर में रहता था, अभी बैंगलोर में देखोगे तो रेंट्स आर प्रिटी हाई, रेंट्स आर लाइक व्हाट 40-50,000 अ मंथ इफ आई एम टेकिंग अ गुड डिसेंट 2 BHK इन अ डिसेंट एरिया, वर्सेस इफ आई एम लिविंग इन से हिमाचल गोवा, लाइक आई कैन पे मच हाफ द रेंट एंड स्टिल हैव अ बेटर लोकेशन, अ बिगर हाउस, अ मोर एयरी हाउस, नो ट्रैफिक। तो मेरे लिए लाइक एटलीस्ट रेंट। सेकेंड इज वेन आई एम लिविंग इन अ सिटी, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरे सामने जब इतनी दुकानें ऐसे सामने होती है और इतना कंज्यूमरिज्म सामने दिख रहा होता है तो आई टेंड टू बाय मोर थिंग्स इन जनरल देन आई रिक्वायर। बट अगेन लिविंग इन हिमाचल और इन गोवा इन और इन स्मॉलर टाउन्स, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कुछ खरीदने का, सामने आपको बेचा ही नहीं जा रहा है, तो यूजुअली आई डोंट बाय।
स्टफ, आई जस्ट बाय बेसिक असेंशियल्स जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो वहां पे भी मेरे लिए लेस एक्सपेंसिव है टू लिव अ नोमैडिक लाइफ. एंड हाँ, सो एंड सो द डिलेमा आई हैव इन माई माइंड विच आई ऑलवेज थिंक अबाउट इज कि यार मैं बैंगलोर में रहूँ, मैं ज्यादा पैसा दूँ रेंट का, मैं ज्यादा पैसा दूँ कैब्स का, मैं ज्यादा कंज्यूमरिज्म से अफेक्ट होके चीजें खरीदूँ, एंड एट दी एंड आई एम ब्रीदिंग वर्स एयर, आई एम ड्रिंकिंग वर्स वाटर, आई एम ईटिंग वर्स फूड, आई एम लाइक नॉट एबल टू गो आउट एंजॉय नेचर, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? इफ आई हैव दी अपॉर्चुनिटी देन वाई नॉट लिव इन अ बेटर प्लेस चीपली एंड एंजॉय लाइफ मोर. तो दिस इज माई थॉट. एग्जैक्टली मतलब अभी कल मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे एयर इज यू नो एग्जैक्टली. एंड एट द सेम टाइम IIT कानपुर की ग्रीनरी मतलब चिक्का मतलब जो नेचर है वहाँ पे. तो टॉकिंग अबाउट कॉलेज, मतलब व्हेन डिड यू नो दैट आपको कुछ बनाना है या फिर कुछ क्रिएट करना है, मतलब कॉलेज टाइम से यू आर इनटू मेकिंग थिंग्स? नहीं यार, मतलब कॉलेज टाइम में मैं आई वॉज मोर इन टू कल्चरल एक्टिविटीज, तो मैं जैसे अपने ड्रामेटिक्स क्लब में पहले से था, कोऑर्डिनेटर बना था, लाइक सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता था, इंटर हॉल ले लो, आपके इंट्रा हॉल ले लो, इंटर कॉलेज ले लो, तो मैं ड्रामेटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. दूसरा मैं अपने गैलेक्सी वैलेक्सी और ये हॉल HEC में भी, हॉल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी चला गया था, तो उसमें भी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता था. तो मेरा मोर फोकस वॉज कल्चरल एक्टिविटीज, एंड देन जो भी रिमेनिंग टाइम था दोस्तों के साथ मस्ती करना, खेलना कूदना, कंप्यूटर गेम्स करना, उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव था मैं. तो मेरा तब इतना ज़्यादा नहीं था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मेरा हमेशा से इवन कल्चरल थिंग्स या जो भी आया, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू डू थिंग्स ऑन माई ओन. मुझे मज़ा तब आता है जब मेरे पास अकाउंटेबिलिटी रहती है, ओनरशिप रहती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन ड्राइव थिंग्स, आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन. तो वो वाला चीज था. तो कॉलेज से जब निकला तब भी आई मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में था, मतलब मैं हमेशा फैसिनेट होता था उस चीज से, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था. जब बैंगलोर पहुंचा और फ्लिपकार्ट में जॉब की, तब आई थिंक मेरा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, बिकॉज फ्लिपकार्ट 2014 में वॉज लाइक द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट? एंड बहुत ज्यादा ऑन्टरप्रनोरियल एनर्जी थी, बहुत सारे IITs से बच्चों को बुलाया गया था, एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स. आप कंपनी में भी स्टार्टअप्स, बाहर निकल जाओ कहीं घूमने जाओ, पब में बैठो तो भी लोग स्टार्टअप्स, एंड आई कुड सी सो मच हैपनिंग. उसने मुझे फैसिनेट कर दिया, तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी यही करना है, एंड देन आई क्विट माय जॉब एंड स्टार्टेड परसुइंग. कॉलेज टाइम में यूज्ड टू फ्लर्ट विद द आइडिया कि कुछ कुछ बनाना है, कुछ स्टार्टअप करना है, देन आफ्टर रीचिंग बेंगलोर देन यू डिड इट. नहीं, एज आई सेड कि कॉलेज में वेरी फ्रैंकली आई वाज नॉट फ्लर्टिंग अ लॉट विद द आइडिया आल्सो, आई ऑलवेज हैड इट इन माय माइंड. आई वाज फैसिनेटेड बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन, वो था कहीं ना कहीं, बट कॉलेज में हमेशा मैं कल्चरल एक्टिविटीज में था. तो कल्चरल एक्टिविटीज इज ऑल्सो अ क्रिएटिव प्रोसेस, इट्स ऑल्सो लाइक डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, राइट? आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, आप उसको पूरा डेवलप करते हो, फिर डिलीवर करते हो, फिर ऑडियंस का फीडबैक से आपको अच्छा लगता है, हारते हो जीतते हो. तो वो वाला माइंडसेट था कि मुझे खुद कुछ बनाना है, ऑडियंस को देना है, उनसे फीडबैक लेना है, बट नॉट इन अ प्रोडक्ट और बिजनेस वे. इट वॉज मोर कल्चरल क्रिएटिव थिंग्स. बट जब बाहर निकला और कल्चरल चीज़ों से पीछे मतलब हटा, तो फिर लगा कि काम में भी आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन, एंड आई लाइक दैट क्रिएटिव प्रोसेस. आपके माइंड में था कि कुछ अपना बनाना है या फिर आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए थी, मतलब अल्फा कह लो, एंड पर एट द सेम टाइम मतलब ऐसा कभी मोटो था कि मतलब जल्दी जल्दी पैसा कमाने, या फिर मे बी वैसा कुछ कि खुद का कुछ करना है, किसी के नीचे काम नहीं करना, वैसा कुछ थॉट प्रोसेस था? था, मतलब आई वुडंट लाई. जब मैं कॉलेज से निकला था तो ये कहीं ना कहीं तो दिमाग में था कि यार जल्दी पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, एंड जॉब करके तो मैं नहीं कमा पाऊंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो दैट वॉज ऑल्सो आई थिंक द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बॉस बन जाऊं और मैं किसी और के नीचे काम नहीं करूं, क्योंकि कोई ऑर्डर देता है तो नहीं होता. तो ये सारी चीज़ें शुरू में थी, आई वुडेंट डिनाई, बट एज आई हैव ग्रोन नाउ तो आई रियलाइज मच बेटर कि यू आर अकाउंटेबल टू कंज्यूमर्स, यू आर इन्वेस्टर्स एंड एवरीबडी. यस. अब मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप ऑर्डर देते रह सकते हो, आप किसी को आंसरेबल नहीं हो. इनफैक्ट एट दिस पॉइंट लाइक आई एम आंसरेबल टू ऑलमोस्ट एवरीवन. मेरी टीम का कोई बंदा मुझसे जो सवाल पूछता है मुझे आंसर करना पड़ता है, आई कांट से कि मैं तेरा बॉस हूँ, मैं तेरे को आंसर नहीं करूंगा. डजंट वर्क लाइक दैट.
इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं आंसर करना पड़ता है, आपके कस्टमर्स जो बोलते हैं वो तो डेफिनेटली आंसर करना पड़ता है, आपके क्लाइंट्स क्या बोल रहे, जो आपके वेंडर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं. तो यू आर वेरी मच आंसरेबल टू एनी वन. इट्स नॉट दैट आई कैन जस्ट गो ऑन कॉलिंग द शॉट्स विदाउट केयरिंग अबाउट मेरे को किसी को कोई जवाब देना. अच्छा हर्ष, डू यू बिलीव दैट मतलब बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज लाइक क्रेजी फोटो एंड मतलब काफी अनस्टेबल लाइफ है और वैसा कुछ? हाँ यार डेफिनेटली. मतलब डूइंग एनीथिंग ऑन योर ओन विच इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, राइट? एक कॉलेज लाइफ इज वेरी स्ट्रक्चर्ड कि आप ये पढ़ लो, इतने नंबर लियो, आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे, फिर ये. इवन प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज स्ट्रक्चर्ड, राइट? कि आप ये काम कर लो, फिर आपको इतनी हाइक मिल जाएगी, या 6 महीने हो जाएंगे हाइक मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, वट एवर, आप चलते रह सकते हो. बट दिस इज कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है. आई कैन नॉट डू समथिंग एंड मेक श्योर कि अच्छा अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच गया, अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच गया. तो वेन यू आर इन दैट अनसर्टन केओटिक एरिया, राइट, लाइक देन इट बिकम्स चैलेंजिंग. अच्छा हर्ष, आपने जब जॉब छोड़ी तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब नॉर्मली जब फैमिली वाले देखते हैं कि बेटे ने जॉब ज्वाइन की है, थोड़ी स्टेबल लाइफ, एंड अपने राजस्थान में तो रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था व्हेन यू सेड कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग ऑन माय ओन? आई थिंक ओके ही था. सी लाइक ऑफ कोर्स थोड़ा तो टेंशन में आ ही जाते हैं कि उनकी उनको लगता है कि क्या कर रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है. बट मेरे पेरेंट्स हमेशा से जानते हैं कि मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, राइट? जो मुझे करना है मैं वो ही करूँगा. मतलब ऑफकोर्स मैं सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि गलत करना है, बट हाँ मतलब अगर मैंने इफ आई मेड माई माइंड कि यार मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है देन आई विल गो फॉर इट. तो कहीं ना कहीं वो ये समझते थे, उन्होंने बोला दो चार बार कि सोच लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट हाँ जब मैं उनको दिखा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं यही करना चाहता हूँ. इनफैक्ट मुझे याद है मैंने एक बहुत बड़ा ईमेल लिखा था अपने पापा को. अच्छा. जिसमें मैंने प्रॉपर लिखा था कि मैं दुनिया के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा मैं इस अर्थ पे आया हूँ तो मेरा क्या पर्पस होना चाहिए, या फिर मैं अपनी लाइफ कैसे देखता हूँ, और काफ़ी एक बड़ा सा ईमेल लिखा था जो अभी भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है. कई बार मुझे पढ़ के सुनाते हैं कि उस समय तूने ये ईमेल लिखा था हमें. तो आई थिंक वो पढ़ के उनको थोड़ा और वो इमोशनल भी हो गए थे, थोड़ा उनको वो लगा कि यार इसको यही करना है. तो सपोर्टिव रहे मेरे पेरेंट्स, काफ़ी सपोर्टिव रहे. ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द जर्नी, क्योंकि हमने शुरू के 2-2.5 साल काफ़ी स्ट्रगल किया, हमने काफ़ी आइडियाज़ पे काम किया पर कुछ भी नहीं चला, तो उनको टेंशन होती थी, और स्पेशली दूसरों के बच्चों को देख के कि यार ये तो MBA कर रहा है, इसका तो इतना पैकेज हो गया है, ये फलाना, तो वो सब देख के उनको थोड़ा ज़्यादा लगता था. तो बीच बीच में बोलते रहते थे, लेकिन जब उनको दिखता था कि नहीं यार इन लोगों को ये करना है, और उन्होंने मेरे दोनों कोफाउंडर से भी मिल लिए थे, उनको भी थोड़ा अच्छे से जान गए थे, तो उनको लगा था कि यार चलो अच्छी संगति में है, ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ मस्ती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. तो देवर सपोर्टिव. हाउ डिड यू मीट योर कोफाउंडर्स? जब कॉलेज में एक तो गौरव मेरा लैब पार्टनर था, उसका मैकेनिकल के थे हम दोनों, उसका जी से शुरू होता था, मेरा एच से, तो नेक्स्ट रोल नंबर ही था, तो हम लैब पार्टनर थे पूरे टाइम, तो उससे वहाँ मिला. और आदित्य हॉल 9 का था, मैं हॉल 5 का था, पर हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, तो फर्स्ट ईयर में ही हम लोग मिल गए थे, तो उसके बाद सारा जो भी मस्ती वाला टाइम मेरा उनके साथ ही रहता था. तीनों एक जगह कैसे है मतलब? तो कॉलेज के बाद मेरी और गौरव की फ्लिपकार्ट में जॉब लगी, एंड आदित्य की भी बैंगलोर में जॉब लगी थी, तो हम मैं और गौरव तो साथ ही रह रहे थे. आदित्य को मैंने, हम जब जॉब ज्वाइन कर रहे थे उससे पहले कॉल किया था कि यार अपन बैंगलोर जा रहे हैं एंड देखेंगे अपन कुछ फिगर करेंगे साथ में करेंगे. तो आदित्य भी बैंगलोर आया था, तो हम तीनों फिर यूजुअली साथ में ही हैंग आउट करते थे पूरे टाइम, तो एक दूसरे के घर में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, आइडियाज पे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं. फिर जॉब छोड़ने के बाद तीनों ने कुछ काम करना शुरू किया, राइट? हाँ, तो मैंने पहले छोड़ दी थी जॉब, 6 महीने बाद ही छोड़ दी थी मैंने फ्लिपकार्ट की. आदित्य ने उसके 6 महीने बाद छोड़ दी, क्योंकि उसकी जो कंपनी थी वो उसे US भेज रही थी. ओके. तो आई थिंक लाइक वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है हम लोगों के लिए. मतलब मैंने उसे बोला कि यार करना है, उसने भी डिसीजन ले लिया कि वो US नहीं जाएगा, और फिर 1 साल बाद गौरव ने छोड़ दी, तो फिर हम तीनों फुल टाइम काम करने लगे. अच्छा, पहला कौन सा आइडिया था जिस पे आप तीनों ने काम करना स्टार्ट किया? यार सबसे पहले हमारा आइडिया था मीशी करके. ओके. और उस पे क्या था, उस पे ये था कि तब जब हम कॉलेज से निकले थे तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं थी. मतलब आज जो होता है ना, तो तब क्या था कि लोग अपना नंबर बदलते थे,
तो सबको एक SMS या WhatsApp भेजते थे कि भाई मैंने नंबर बदल लिया, मेरा नया नंबर सेव कर लो। तो हमें ये प्रॉब्लम लगती थी, तो हमने एक ऐसा ऐप बनाया था कि अगर मान लो मैंने नंबर चेंज किया तो तुम्हारी कॉन्टैक्ट बुक में अपने आप मेरा नंबर चेंज हो जाएगा, अगर हम कनेक्टेड हैं थ्रू आर्मीशी, तो उसके थ्रू परमिशन है, कॉन्टैक्ट परमिशन, तो यू विल ऑलवेज बी कॉलिंग मी ऑन माई लेटेस्ट नंबर, यू डोंट हैव टू वरी कि उसका नंबर तो नहीं चेंज हो गया। तो ये हमारा पहला आइडिया था, पर वहाँ उसका तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और ये सब आ गया, तो उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहा। फिर उसके बाद और कितनी बार फेल हुए? ये काफ़ी बार हुए, हम लोगों ने चार पांच आइडियाज पे काम किया, तो चार और हाँ मतलब चार पांच आइडियाज फेल हुए हमारे, फिर फाइनली वी केम अक्रॉस ओके प्रोडक्ट। अच्छा हर्ष, मतलब हाउ डू यू कीप कोप अप विद फेलियर्स, मतलब जब इतने फेलियर्स हुए लगातार, तो कभी लगा कि यार ठीक है मतलब जॉब करते हैं, या फिर वो कीड़ा लगा रहा कि नहीं बनाना है बनाना है? यार वही है, मतलब कि कई बार मेरे अंदर कीड़ा लगा रहा कि फेल हो गए तो कोई नहीं दूसरा करेंगे, अगर मेरे को फाउंडर डाउट कर रहे थे, लेकिन कई स्टेज ऐसी भी आई जहाँ मेरे अंदर डाउट आ गया कि यार क्या हम ये कर पाएंगे। इनफैक्ट मुझे कहानी याद है कि जब हमारा फोर्थ आइडिया फेल हुआ था, तब हम ब्लॉकचेन में काम कर रहे थे और वो अच्छे से हो नहीं रहा था, तो हमें एक सिलिकन वैली की कंपनी थी जिन्होंने हमें आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि हम उनके साथ थोड़ा कुछ पार्टनरशिप कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये तीनों लड़के ठीक है और इनको ब्लॉकचेन वगैरह ठीक से आता है, तब हमने कोडिंग वगैरह सीख ली थी, तो उन्होंने हमें जॉब ऑफर किया था सिलिकन वैली में, तो अच्छी सैलरी थी और उस समय तो मतलब अमेरिका जाना मतलब ये सब एक साउंड्स लाइक अ ड्रीम राइट। तो मेरा ऐसा हो गया था कि हाँ यार बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं है, ऐसा करते हैं कि यही अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं और फिर मे भी आगे देखेंगे कि क्या करना है, कभी और करेंगे। लेकिन उस समय मेरे कोफाउंडर्स ने मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं हम ये नहीं लेंगे और एक आखिरी ट्राई देंगे, आखिरी या मतलब जैसे भी कि एक और ट्राई देंगे, और फिर उसी के मतलब कुछ समय बाद हम ओके क्रेडिट हमारी ज़िंदगी में आया और वहाँ से चलोगे। तो मतलब आई वुड से हर तरह के मोमेंट्स रहे, जब मेरा डाउट रहा है कभी उनका डाउट रहा है, पर कोफाउंडर होने का यही फायदा है कि जब तुम डाउन हो तो कोई और उठाएगा, वो डाउन है तो तुम उठाओगे और चलते रहोगे। इससे मुझे मतलब एक बात याद आ गई, मतलब एक बार वंस आई मेट कोफाउंडर ऑफ HCL अजय चौधरी जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब जब भी मैं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कभी सिंगल फाउंडर में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं जब उसके साथ कोफाउंडर होता है तभी इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज अलोन जर्नी एंड वहाँ पे यू नीड पीपल। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं यार आई वुड ऑल्सो से सिमिलर, मतलब ऑफकोर्स एक्सेप्शन तो है ही यार, देर आर सोलो फाउंडर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, तो एक्सेप्शन होते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन एंड एक अलग ही तरह का फाउंडर चाहिए होता है, लाइक हु इज लाइक अ फोर्स ऑफ नेचर, जिसको आप देख के कह सकते हो कि चलो ये तो अकेला ही शायद कीजिएगा, मतलब बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव को फाउंडर्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। अच्छा आपके केस में कभी आप तीनों में वैसे होते थे कि मतलब मन मोटाव या फिर कभी कि डिसएग्रीमेंट्स, या फिर जब आइडियाज आते होंगे मतलब टेबल पे तो कि नहीं दिस वॉन्ट वर्क या फिर वी शुड ट्राई दिस, तो वहाँ पे कैसे डील करते थे? यार बहुत हुए हैं, मतलब ये तो मतलब अनलिमिटेड हुए हैं शुरू से ही, क्योंकि हर कोई के दिमाग में उसका आइडिया बेस्ट है, तो वो जो आइडिया कह रहा है या वो जो चीज़ कह रहा है तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता था, एंड स्पेशली शुरू में बिकॉज एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग, कि मैं अगर आदित्य टेक बना रहा है तो मैं भी कहीं ना कहीं टेक में इन्वॉल्व हूँ, गौरव प्रोडक्ट देख रहा है तो मेरा भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में इन्वॉल्वमेंट है, मैं बिजनेस साइड देख रहा हूँ तो उन दोनों का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो एवरीवन हैज देयर व्यूज ऑन इट, एंड हमने अभी तक कोई एक्सपर्टीज भी डेवलप नहीं की है कि ऐसा होगी नहीं तेरी बात मानी जाएगी, तो ये काफ़ी हुआ। बट ओवरऑल आई थिंक हैविंग थ्री फाउंडर्स रियली हेल्प्स इन दिस, बिकॉज जब आपको लग रहा है कि एक फाउंडर थोड़ा गलत जा रहा है तो एक सेकेंड फाउंडर जब उसको सपोर्ट करता है तो आप 2:1 बेसिकली आप एक डिसीजन ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1-on-1 पे आप दो फाउंडर में कई बार आप अटक सकते हो कि मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, डिसीजन कैसे लें, तो 3 में 2-on-1 करके आप डिसीजन ले सकते हो। सेकेंड वॉज कि धीरे धीरे हम लोगों को पता चल गया कि यार हमारी एक्सपर्टीज क्या है, जैसे आदित्य इज लाइक ग्रेट एट टेक, अब मैं उसके अच्छा हो ही नहीं सकता, गौरव इज ग्रेट एट प्रोडक्ट राइट यूजर इंटरेक्शंस, मैं शायद उतना अच्छा नहीं हो सकता, आई एम गुड एट लाइक अदर थिंग्स लाइक विच मे बी मार्केटिंग और इन्वेस्टर साइड और बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स,
तो हम लोगों ने अपने आप को डिसीजन मेकिंग दे दी कि यार यहाँ पे सब व्यूज देंगे, फीडबैक देंगे, बट फाइनल डिसीजन इसका माना जाएगा, राइट? एंड तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स कि व्हेन यू नो कि चलो दिस ये डिसीजन तुम्हारा है, वी कैन गिव यू फीडबैक, बट दिस इज योर डिसीजन, तो फिर दैट हेल्प्स, मतलब वो मन मुटाव और वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. एक और चीज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मेरे दिमाग में, जो हम लोगों ने काफी की शुरू में वॉज, हम वाई कॉम्बिनेटर में हमें एक फंडा दिया गया था थर्ड डिग्री कॉन्वर्सेशंस. ओके. तो इसमें क्या था कि था कि आप जो अपने को फाउंडर से नॉर्मली आप बिजनेस में बातें कर रहे होते हो या बात कर रहे हो, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हो, बट कई बार आपके मन में शायद कुछ मन मुटाव आता है, कोई बुरी भावना आती है या कि यार ये ऐसे कैसे वो कैसे, तो वो कॉन्वर्सेशंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. उसको अपने मन के अंदर रखना से खराब ही होगा. तो हम लोगों ने एक्चुअली एक टाइम सेट किया था अपने कैलेंडर पे कि थर्ड डिग्री कॉन्वर्सेशंस की 15 दिन में, महीने में एक बार हम बैठेंगे आराम से, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं कि 1 घंटे की मीटिंग है. कई बार हम बाहर रेस्टोरेंट में बियर पीने कहीं पे भी बैठते थे और फिर इस तरह की बातें करते थे कि यार क्या दिल में है जो बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी क्या थर्ड लेवल, मतलब उस तरह की कॉन्वर्सेशन से जो हमें करनी चाहिए टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन द सेम पेज, वो एक्चुअली हमें काफी हेल्प किया था. काइंड ऑफ अ थेरेपी सेशन, राइट? बट या विथ योर फाउंडर्स. आजकल तो काफी जरूरत है, मतलब आई सी पीपल आर गेटिंग अलोन थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड ऑल. तो हर्ष, मतलब आप वाई कॉम्बिनेटर में थे, सो व्हाट डू यू सी, मतलब बिफोर इन्वेस्टिंग इन पीपल? यार व्हाट डू आई सी बिफोर, आई थिंक यार मेरा है ना इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी चेंज हुआ है ओवर टाइम. पहले मैं बहुत ही ज्यादा फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर था कि अच्छा फाउंडर दिखा तो इन्वेस्ट कर दो. स्लोली मुझे समझ आया कि यार मार्केट इज एज मच इम्पॉर्टेंट इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. मैं तो कई बार मार्केट को ज्यादा, कि एक अच्छा मार्केट होता है ना जो ग्रो करने वाला है और आपने एक अच्छी टाइड पकड़ ली है, तो मुझे लगता है एक डिसेंट फाउंडर भी उसमें एक बड़ी कंपनी बना लेगा और एक बहुत अच्छा फाउंडर तो उसमें बहुत बड़ी कंपनी बना देगा अगर सही मार्केट में घुस गया. लेकिन एक अच्छा फाउंडर अगर गलत मार्केट में घुस गया ना तो शायद वो नहीं बना पाएगा बड़ी कंपनी. सो आई थिंक अर्लियर आई वॉज अ वेरी फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर. ओवर टाइम आई ग्रू इन टू अ मार्केट फर्स्ट इन्वेस्टर विथ हाई एम्फेसिस ऑन द फाउंडर. नाउ व्हेन आई इन्वेस्ट इन अ कंपनी, देर इज वन क्वेश्चन आई आस्क, राइट, विच इज कि कैन दिस बिकम अ $1 बिलियन प्लस कंपनी. मतलब बहुत सारी कंपनीज आपके आती है, अच्छे फाउंडर, अच्छा मार्केट, बट आपको वो कन्विक्शन नहीं होता कि ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी. पर मेरे लिए वो आई थिंक वो रिस्क लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेट लेना, बिकॉज एंजल इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ लाइक पावर लॉ गेम है. लाइक यू इन्वेस्ट इन 10 कंपनीज, 8 7 8 ऑफ देम विल नॉट गिव यू एनी रिटर्न, बट जो 1 और 2 आपको रिटर्न देंगी ना दैट विल कवर ऑल योर लॉसेस प्लस गिव यू द रिटर्न्स. तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी आई वुड ऑलवेज लाइक 10 on 10 में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे ये दिख रहा है कि ये कंपनी बहुत मैसिव कंपनी बन सकती है, बिकॉज मेरा एक भी सही हो गया तो मेरे बाकी 8 लॉसेस डोंट मैटर. आपने कितने तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए? मेरे कुछ 35. 35. ओके. तो आप स्टूडेंट्स में भी इन्वेस्ट करते हो? अभी तक किया है? हाँ, स्टूडेंट्स में किया है, बट हमेशा मैं जनरली अनलेस मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानता तो मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च देखना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि इन फाउंडर्स में कैपेबिलिटी है क्या एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च करने की, विच मेरे हिसाब से एक बड़ी कैपेबिलिटी है, तो वो मैं देखना चाहता हूँ. तो यस, आई डू इन्वेस्ट इन स्टूडेंट फाउंडर्स. अच्छा हर्ष, आपको लगता है मतलब कि एज इज द क्राइटेरिया इन डूइंग स्टार्टअप और गेनिंग सम एक्सपीरियंस, जैसे लोग बोलते हैं कि पहले कुछ जॉब कर लो देन स्टार्टअप में, या वैसा कुछ, या फिर पीपल कैन स्टार्ट अर्ली? यार दे कैन स्टार्ट अर्ली, मतलब मेरे को एज उस मैटर में तो नहीं फैक्टर लगता कि एक्सपीरियंस लेके स्टार्टअप करो. मुझे लगता है इनफैक्ट यंग फाउंडर्स आर वेल बेटर पोजिशन्ड टू स्टार्टअप, बिकॉज आप फ्रूगली रह सकते हो, अपना कुछ खर्चा होता नहीं है, राइट? आप उस समय नए ट्रेंड से ज़्यादा वाकिफ रहते हो जितने पुराने लोग रहते हैं. पुराने लोग एक माइंडसेट बना चुके होते हैं, नए यंगर पॉपुलेशन नए ट्रेंड्स देख रही होती है जो आ रहे होते हैं, तो वो पुराने लोग नहीं देख सकते.
और मतलब काफी एडवांटेजेस हैं आई थिंक एक यंगर फाउंडर के, बट मुझे लगता है कि यार फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज द बिग थिंग आई वुड से, कि अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारी लाइबिलिटी है, तुम्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है अपने माँ बाप को, देन आई वुड से कि मे बी एक जॉब करके थोड़ी फाइनेंशियल बैकिंग बना के एक फ्री माइंड से फिर तुम स्टार्टअप कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हारे वो सब है तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एवरी डे वो हिट होता है कि यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है और ज़रूरत है, देन मुश्किल होता है। तो अगर पैसा है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, देन तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट एज अर्ली। अच्छा हर्ष, मतलब सिंस वी टॉक्ड अबाउट स्टूडेंट्स, तो what should we keep in mind before doing a startup? मतलब जैसे कि it should solve some problem but it should make someone's life better, या फिर कुछ नया ट्रेंड देखना और मार्केट में क्या इसको भी, जैसा कि आपने बताया कि आप मार्केट देख के इन्वेस्ट करते हो, देन दिस इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड, या फिर लुकिंग एट ट्रेंड्स। जैसे कि अभी मैं सोच रहा, थोड़े दिन पहले तो मैंने देख रहा था कि यार कि किस में करना चाहिए, या फिर जैसे एग्रीकल्चर इज सो अनएक्सप्लोर्ड या फिर वैसा कुछ, तो what to see before doing a startup? ऑफकोर्स देर आर मैनी थिंग्स, बट अगर मैं फोकस करूँ प्रायोरिटी वाइज तो नंबर वन इज ऐसा मार्केट जहाँ तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में एक बड़ी ग्रोथ होने वाली है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वैसे ही सोच रहा हूँ मतलब कि एक बहुत बड़ी टाइड जा रही है या एक बहुत बड़ा मार्केट ग्रो करने वाला है, अगर तुम सही जगह पर बैठ गए तो वो मार्केट ही तुम्हें बहुत उठा देगा, राइट? तो आई थिंक आइडेंटिफाइंग द राइट मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज अ ट्रेट ऑफ अ गुड फाउंडर। सेकंड इज कि वो काम करने में तुम्हें मजा आना चाहिए, क्योंकि कई बार आप मार्केट के लालच में एआई बहुत बड़ा बन रहा है आप घुस गए, लेकिन आपको एआई मॉडल बनाने में मैथमेटिक्स एंड मजा ही नहीं आता है अगर, तो आप वो ज्यादा दिन तक काम कर ही नहीं पाओगे। तो क्योंकि स्टार्टअप इज अ लॉन्ग टर्म गेम, राइट? आपको कम से कम 10 साल तक वो काम करना है, तब आप जाके मार्केट में अपना नाम और एक बड़ी कंपनी बना सकते हो। तो यू हैव टू पिक समथिंग विच विल ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स, एंड ऑल्सो इट शुड इंटरसेक्ट विद वॉट यू लव डूइंग। आई थिंक इफ वो दोनों बबल का इंटरसेक्शन हो गया, देन यू आर इन अ वेरी ग्रेट स्पॉट। You can just keep on doing what you like and it will grow and you can become big. So yeah, I think I will mess up the emphasis in dono bubbles ko. So talking about OK Credit, ye idea kaise aaya? Matlab aapko OK Credit ka idea aaya kaise? Ya to mujhe nahi aaya idea, first of all to Aditya ko aaya tha. तो हम लोग वही, जब हमारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे थे तो हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे बैंगलोर में, और हमारे अपार्टमेंट के सामने लोग कॉम्प्लेक्स में रहते थे, तो उसके सामने एक किराने की शॉप थी, तो हम उससे उधार लेते थे क्योंकि काफ़ी टाइम से रह रहे थे। एंड तब हमने ये भी डिसाइड किया था, क्योंकि हमारे सारे स्टार्टअप्स फेल हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया था कि यार हम अब ये सब छोड़ो, अब हम लोगों की प्रॉब्लम ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट हैंड, क्योंकि उससे पहले हम बहुत ज़्यादा वैसे करते थे, वो रिपोर्ट्स पढ़ ली कुछ कि ये नया लॉजिस्टिक आने वाला है तो इसमें कंपनी बना लेते हैं। इट वॉज नॉट बॉटम अप, इट वॉज ऑलवेज टॉप डाउन। तो हम लोगों ने देखा कि यार, हमने कहा कि हम अब आसपास देखेंगे, लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, और जो प्रॉब्लम हमें सही लगेगी उस पर हम काम करेंगे। तो आदित्य एक दिन वो किराने को उधार के पैसे वापस दे के आया था, एंड उसने ये प्रॉब्लम बोली कि यार जब भी मैं वहाँ पे उधार के पैसे देने जाता हूँ तो मेरे को काफ़ी टाइम वहाँ पे रुकना पड़ता है, वो एक बड़ा सा बॉक्स निकालता है, कॉपी से करता है, और एट दी एंड ऐसा अमाउंट बताता है जिस पे विश्वास भी नहीं होता, फिर वो आर्ग्यूमेंट होता है कि इतना तो हमने लिया ही नहीं। तो हमने कहा कि हाँ यार ये तो प्रॉब्लम तो है, दुकानदार से चल के बात करते हैं। जब हम उससे बात करने गए तो उसने हमें बोला कि भाई ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं वो जो किराने वाला था वो 3 बड़े अपार्टमेंट थे आसपास, सबको उधार देता था, उसके सबके अंदर मतलब काफ़ी 100-100 घर होंगे। तो उसने कहा मैं इतने सारे घरों को उधार दे रहा हूँ, सबके बिल मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और फिर सबके साथ जिग जिग कर रहा हूँ, और सबसे पैसे कलेक्ट करने के लिए उनके पीछे भाग रहा हूँ, तो ये मेरे लिए तुमसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये इसकी प्रॉब्लम है, मे बी वी कैन मेक समथिंग जिससे हम उसको हेल्प कर सकें। तो फिर हम ऐप बनाने लगे, क्योंकि हमने 1 वीक आई थिंक 1.5 वीक में एक फर्स्ट ऐप बना, क्योंकि तब तक हमें ऐप बनाने में हम एक्सपर्ट हो चुके थे, इतने आइडिया पे काम मिल लेते, ऐप बना हमारे लिए तो ऐसा चुटकी का खेल था। तुरंत ऐप बनाई,
उसको दी, फिर काफी वो तो पूरा प्रोसेस था हाइड्रेशन का, तो ना तो वहां से आइडिया। लॉन्च कब किया, मतलब ये आइडिया आने के बाद कितना टाइम लगा लॉन्च करने में? वही कह रहा हूँ ना, पहला हमने 1-1.5 से 10 दिन में बना दिया था और उसको दे दिया था, लेकिन वो उसने यूज नहीं किया क्योंकि वो उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा। हमने ना अपने आप को सोच के बना दिया था कि वो ये सब, ये नेविगेशन ये तो हम कर ही देते हैं, नहीं बट जब उस दुकानदार को देखा, उसका एजुकेशन लेवल कम था, तब हमें समझ आया कि इसके लिए तो हमें बहुत सिंपल बनानी पड़ेगी। तो सेकंड आइटरेशन हमने फिर बिल्कुल सिंपल सी एक ऐप बनाई जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लिखा विखा कुछ नहीं है, नंबर, क्योंकि उनके वैसे भी लिटरेसी लेवल वो तब पढ़ते नहीं है, वो नंबर फोकस ज़्यादा होते हैं या बड़े बड़े लेटर्स, वो किया हाँ काफ़ी हाइड्रेशन हुआ। डिजिटल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी है इवन ओके, तो हमारे कैंटीन वाले भैया को भी देना चाहिए यू नो, कैंटीन में भी हम लोग जाते हैं होल्डू में या फिर उधर, तो वो वही की लिखना रहे, वो अभी राजस्थान में तो रेड बुक्स चलती है यहाँ पे, ये सारे किराना वाले यूज़ करते हैं। तो हर्ष, उसके बाद जब आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या रहा, उसके बाद की जर्नी कैसी रही, मतलब धीरे धीरे यूनिट्स आपको पैसे भी चाहिए होंगे या फिर बाद की जो जर्नी रही? यार काफ़ी रोलर कोस्टर जर्नी रही, लेकिन हर चीज़ फेस की हमने। पहले जब यूज़र को दिया तो यूज़र ने यूज़ ही नहीं किया हमारा ऐप, हमें उस यूज़र को यूज़ करवाने में 2 महीने लग गए आप अपना, लेकिन उससे हमारा ऐप इतना अच्छा बन गया कि उसके बाद हमारी ग्रोथ तेज़ी हुई। हमारा डिज़ाइन हमने बहुत सिंपल बनाया, नंबर फर्स्ट रखा, लेटर अल्फ़ाबेट बहुत कम रखे, वर्नैकुलर बनाया क्योंकि हमें समझ आया कि चलो दुकानदार तो अब यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश फिर भी ठीक ठाक समझ रहे हैं, जब वो अपनी शॉप से चला गया जो बहुत रेगुलरली होता है और उसके छोटू उसकी दुकान पे बैठता है, तो छोटू तब लिखेगा उधर, छोटू कैसे लिखेगा, तो उसके लिए वर्नैकुलर, तो कन्नड़ा में हिंदी में हमने ऐप ट्रांसलेट की ताकि छोटू लिख सके। फिर डेटा की प्रॉब्लम, उसको दुकानदार को भरोसा ही नहीं कि भाई ये ऐप सही कैलकुलेट करेगी या नहीं करेगी, लेट हो सकता है गलत कैलकुलेट कर दे, तो वो 1 महीने तक रजिस्टर भी मेंटेन करता था और ऐप पे भी लिखता था राइट कि, और फिर रोज रात को चेक करता था कि रजिस्टर पे कितना टोटल आ रहा है और ऐप कितना दिखा रहा है, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वैसे बिल्ड हुआ। फिर उसको डर था कि कहीं ऐप डिलीट ना हो जाए मेरे ऐप फोन से, कल को मैंने ऐप खोली और सारा डेटा डिलीट ना हो जाए, और उसके लिए तो उधार का है, उसको तो सारा पैसा कलेक्ट करना है, डिलीट हो गया तो उसका तो लॉस है। तो फिर हमने उसको कॉन्फिडेंस दिलाया, पहले तो शुरू में हमने PDF भेजे उसके ईमेल पे रोज़ की, एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिख दी कि भाई रोज रात को आपके ईमेल पे ये PDF आ जाएगा, तो आपका डेटा गायब भी हुआ तो आपके पास ये रहेगा। फिर धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो कैलकुलेशन सही है, डेटा गायब नहीं हो रहा है, डिज़ाइन भी ठीक है, उसके छोटू भी यूज़ कर पा रहे हैं, तब फिर उसने अपना रजिस्टर हटाया और फिर ओनली ओके क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन लिखने शुरू किए। तो ये तो हमारा शुरू का फर्स्ट यूजर की जर्नी थी। फिर हम लोग क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि यार हम हर दुकानदार के साथ ये 2-2 महीने तो नहीं लगा सकते राइट बट तो मतलब कि ऐसा, तो हमने फिर रेफरल लेने शुरू किया। अब हमने उसे बोला कि यार आप हमें रेफर करो किसी को, तो उसका भाई था जो दूसरे मोहल्ले में किराना चलाता था, तो उसने उसको रेफर किया, तो वो ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड हो गया कि उसने कहा अच्छा मेरा भाई यूज़ कर रहा है 2 महीने हो, मतलब काफ़ी ट्रस्ट करता है, तो अब इसको, तो उसने फिर फटाफट यूज़ करना चालू कर दिया, फिर उससे रेफरल लिया, उससे रेफरल लिया, ऐसे करके हम 50 यूज़र तक पहुँचे। फिर जब हम 50, और तब तक हमने अपना ऐप प्ले स्टोर पर नहीं डाला था कि राइट, हम बस जाते थे दुकान में, उसका अकाउंट बनाते थे, उसको पासवर्ड देते थे, उसके फ़ोन में वो शेयर इट से APK ट्रांसफ़र करते थे और उसका चालू कर देते थे। फिर हमारे पास और हमने फोन ऐप के अंदर एक वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे अपना फ़ोन नंबर डाला हुआ था, मेरा नंबर था, तो मेरे फ़ोन पे फिर अचानक फ़ोन आने लग गए धीरे धीरे कि भैया हमें भी अकाउंट चाहिए, हमें भी चाहिए, हमने उधर से देखा, हमें भी चाहिए। तो फिर हम लोगों के शॉप पे जाके उनके अकाउंट बनाने लगे। फिर धीरे धीरे इतने फ़ोन आने लग गए एंड वो हमारा वर्ड ऑफ माउथ का आई थिंक था कि लोगों को इतना पसंद आने लग गया कि लोग शेयर कर रहे हैं, इतने फ़ोन आने लग गए कि मैं सुबह से रात तक बैठ के बस अकाउंट बना के उनको व्हाट्सएप पे उनकी डिटेल भेजता रहता था और APK भेजता रहता था कि भैया ये डाउनलोड करो, ये डाल के यूज़ करना शुरू करो। फिर हमें लगा कि यार अब ये पूरे दिन ये नहीं कर सकते तो आप प्ले स्टोर पर ऐप डालो और यू नो लाइक वो साइन इन विद गूगल या फ़ोन नंबर से साइन इन OTP वो सब डाल के कि लोग खुद साइन इन कर पाए, अपना अकाउंट बना पाए और यूज़ कर पाए। फिर
फिर हमने प्ले स्टोर पर डाला तो फिर हमारी एकदम से क्रेजी ग्रोथ शुरू हो गया। बट इसके बीच में बहुत चीजें रही यार, इसके बीच में हमारे पास पैसे हमारे पास खत्म हो गए थे, क्योंकि बहुत समय से तो पैसे खत्म हो गए, तो हमने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया मतलब घर छोड़ दिया, हम रेंट पे रहते थे बैंगलोर में, अब रेंट देने के पैसे ही नहीं है और सर्वर चला रहे हैं, सर्वर पे पैसे लग रहे हैं, तो रेंट छोड़ दिया। फिर शेयर चैट के फाउंडर्स फरीद लोग, ये हमारे दोस्त थे, तो हमने उनको कहा कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, तो तुम हमें अपने ऑफिस में जगह दो। तो फिर उन्होंने हमें ऑफिस में एक साइड में जगह दी, वहीं हम सोते थे, 3 स्लीपिंग बैग ले लिए हमने और उसी में सोते थे। उनके ऑफिस में एक बुफे लंच लगता था अच्छा एम्प्लॉयज के लिए, तो वो ही खा लेते थे, हम भी उनके वॉशरूम में एक शावर वगैरह और वो सब था, तो वही नहा लेते थे और वहीं रहते थे, सोते थे वहीं उनके ऑफिस में पूरे टाइम, तो उससे पैसे बचे थे। ऐसी काफी कहानियां रही है जो रहा शुरू में जब तक हमें पहली फंडिंग मिली होगी। शेरचैट काफी काफी अच्छे दिन थे वो, मतलब देखने में ऐसा लगता है कितने मुश्किल रहे होंगे, लेकिन आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ, क्योंकि उनका पूरा जो टीम थी ना, उनको हमारे लिए वो क्लोज्ड, मतलब एक क्लोज फीलिंग आने लग गई थी। देखते थे यार ये 3 लड़के यही सोते हैं, यही काम करते रहते हैं, तो वो हमारी हेल्प करने आ जाते थे। उनका प्रोडक्ट मैनेजर हमें ज्ञान दे रहा है, उनके डिजाइन वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले से हम ले रहे हैं, फाउंडर जो है तीनों वो हमें बैठ के हेल्प कर रहे हैं, तो काफी क्लोज एक बॉन्डिंग हो गई थी उनके साथ हमारी। अच्छा हर्ष, फिर धीरे धीरे मतलब ठीक है उस टाइम तक तो यू आर वर्किंग इन बैंगलोर, फिर धीरे धीरे आपने पूरे इंडिया में जो फैला दिया, आज तो कितने यूजर्स हैं? अब तो हमारे पास लगभग 3 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। 3 मिलियन एक्टिव यूजर्स, एंड अभी तो आई थिंक अभी इसके सिवा भी आप कुछ कुछ और डोमेन्स में भी इसमें इसको बढ़ा रहे हो, लाइक क्रेडिट क्रेडिट देने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो यार हमारा तो हमने ओके क्रेडिट चालू किया इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से किराने की, राइट? एंड फिर हमारे पास डेटा आने लगा किराने का, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, कि मेरे को किन मार्केट से कितना उधार लेना है और मुझे मैंने क्या उधार ले रखा है वो लौटाना है, राइट? तो ये मैं एज ए दुकानदार नोट करता हूँ। और तो अब हमारे पास जब ये डेटा आने लगा, जो हमेशा से सालों से कॉपी किताबों में होता है, लेकिन अब ये ऑनलाइन हो गया डेटा, राइट? तो हमारा अब नेक्स्ट मोटिव ये रहा कि हम इस डेटा को यूज करके जो हमारा यूजर बेस है उसका एक इनफॉर्मल क्रेडिट स्कोर बनाएंगे, जैसे आपका सिविल स्कोर होता है, और उस क्रेडिट स्कोर को यूज करके उनको बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, मतलब लोन्स, बेटर लोन्स देंगे, राइट? जो वो एक ट्रेडिशनल लेंडर से, आप मनी लेंडर की तो कहानी हम जानते ही हैं कि कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है ऑन ग्राउंड, कितना मुश्किल है लोन्स लेना, मतलब इवन बैंक्स और इवन जो इनफॉर्मल आपके मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं ऑन ग्राउंड, आपको लाइक बहुत काफी एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स रहते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा। तो ये हमारा था, तो उसके बेसिस पे फिर हमने, जब हमारे पास इनफ डेटा हो गया, तब हमने अब अपना ओके क्रेडिट स्कोर बनाया, हम NBFCs बैंक्स के पास गए कि हमारे पास ये यूजर्स हैं, इनका हमारे पास इतने सारे तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस तो एक है पर उनकी कंसिस्टेंसी, वो किस किस से कनेक्टेड है, पूरा ग्राफ है, तो काफ़ी सारा डेटा पॉइंट है जिससे हम, और हमने प्रूव किया कि आप जो अंडरराइटिंग कर रहे हो सिबिल स्कोर देख के, बैंक स्टेटमेंट देख के, SMS पढ़ के, और अब तो SMS पढ़ भी नहीं सकते जो पहले वो कर रहे थे, तो अगर आप हमारा स्कोर लोगे तो इससे आपको और फायदा होगा, आप एक बेटर अंडरराइटिंग, ये हमने प्रूव किया अपने डेटा से, तो उन लोगों को एडवांटेज मिला कि ठीक है तुम्हारे पास यूजर भी है, तुम्हारे पास एक प्रोप्राइटरी डेटा भी है, तो इसको यूज करके हम तुम्हारे यूजर्स को लोन दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद तो लेंडर हैं नहीं, तो हम खुद अभी NBFC नहीं है, हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और उनको अपना डेटा यूजर दे के उनके थ्रू उनको लोन दे। स्टार्टिंग से माइंड में था या फिर बाद में है? क्योंकि कई बार ये जो इन्वेंटर इन्वेंटर्स को भी पता नहीं होता कि इनकी इन्वेंशन किस तरफ जा रही है, तो ये बाद में फ्रेम में है या फिर स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं वैसा कुछ था? यार वैसे ये कहीं ना कहीं तो माइंड में था, क्योंकि पता ही था कि डेटा है और दुकानदारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ कैपिटल है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो पता ही थी। लेकिन शुरू में हमारा विजन थोड़ा सा लगता, हमारा मोटिव ये था कि हम बहुत सारे डिफरेंट तरह ऑफ एप्स बनाएंगे, जैसे ओके क्रेडिट बनाया वैसे एक ओके बिल बनाएंगे, ओके शॉप बनाएंगे, ओके इन्वेंटरी बनाएंगे, ओके सेल्स बनाएंगे, मतलब ओके बहुत सारे बनाएंगे, और फिर वो सारा डेटा यूज करके हम ये करेंगे,
पर हमने बीच में इस तरह के बहुत सारे ऐप्स बनाए, पर हमें समझ आया कि बहुत सारे ऐप्स लोग यूज नहीं करना। जैसे ओके क्रेडिट तो फिर भी मैं यूज करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है मेरा पैसा जो मार्केट में फंसा है उसको वापस लाने में, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एज अ शॉपकीपर, मतलब कि मेरा मार्केट में पैसा फंसा है। लेकिन अब ओके बिल हो गया, ओके शॉप हो गया, ये मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। ओके इन्वेंट्री हो गया, नहीं है तो मैं वो एप्स नहीं यूज करना चाहता। तो वो आई थिंक हमारा विजन थोड़ा सा चेंज हुआ लर्निंग्स के साथ। पर हाँ, पहले हमारा ऐसा था कि हम ओके यूनिवर्स बनाएंगे। यूनिवर्स मल्टीवर्स। अच्छा हर्ष, ये ओके क्रेडिट नाम कैसे आया, मतलब आपके दिमाग में? इन नेम्स की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये भी वैसे आदित्य के ही दिमाग में आया था। वो उस समय एक ये कोडर, मतलब प्रोग्रामिंग में आदित्य काफी अच्छा है, तो वो ओके HTTP करके एक लाइब्रेरी होती थी, जो आप HTTP रिक्वेस्ट होती है, आप जब अपने फोन से आप सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हो या जो भी, तो एक HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आप रिक्वेस्ट करते हो। तो ओके HTTP एक लाइब्रेरी आई थी उस समय जो बहुत इजी बना देती थी उस काम को, प्रोटोकॉल कर दिया था उसने। तो हमारा भी आदित्य के दिमाग में आया कि हम भी अपना ओके क्रेडिट, हम क्रेडिट को उतना इजी कर देंगे जितना इसने HTTP को कर दिया है। तो ओके क्रेडिट हमारा वहां से नाम आया था। अच्छा हर्ष, जैसे कि मतलब बता रहे थे कि मतलब धीरे धीरे, मतलब आपने जो चार स्टार्टअप बंद किए, इसके सिवा मतलब मैं अभी लिंक्डइन पोस्ट पढ़ता हूँ कभी कभी, तो उसमें आप एक केमल क्लब भी चला देते हैं, हाँ देन आपने वो भी बंद कर दिया, तो उसका क्या रीजन था, मतलब केमल क्लब जो बंद किया आपने? यार क्या मतलब, वही शुरू में मैंने, मेरा एंजल इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट हमेशा रहा है, मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में किया है, तो मुझे लगा कि यार मेरे को इसमें मजा आता है, तो मे बी मेरे को ट्राई करके देखना चाहिए कि शायद जो एज आई सेड राइट, वन इज लाइक समथिंग यू लाइक एंड सेकेंड इज समथिंग यू थिंक हैज बिग पोटेंशियल। तो ऑफकोर्स इंडिया सिटिंग टुडे, मतलब इंडिया का नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज एन एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल एंड इट इज ऑल्सो समथिंग आई लाइक। तो आई हैड अ फीलिंग दैट यू नो कंबाइंड दिस इज समथिंग आई कुड डू लॉन्ग टर्म। बंद मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक इट बिकॉज मैं अपना खुद का पैसा लगा रहा हूँ राइट। मेरे को किसी और का पैसा लेके उसको लगा के फिर उसको रिटर्न देना और अच्छा रिटर्न नहीं आया तो जवाब देना, दैट इज नॉट समथिंग शायद मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगा। एज लॉन्ग एज इट इज माई मनी आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट विथ माई मनी एंड आई कैन इन्वेस्ट इन हू एवर आई वॉन्ट, और मेरी थीसिस में एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता हूँ। इवन इफ आई लूज द मनी इट इज माई मनी एंड आई डोंट हैव टू आंसर टू एनी वन। बट लोगों से पैसा रेस करो फिर उनको रिटर्न दो, अच्छा रिटर्न नहीं आया, वो वाला काम मेरे को उतना पसंद नहीं आया, एटलीस्ट जितना मैंने किया। और दूसरा अगेन आई थिंक मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ओके क्रेडिट के साथ जो मेरा 20-30% टाइम है उसमें मैं भी ये कर लूँगा। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे एक प्रोफेशनली ये काम करना है, दूसरे लोगों का पैसा मैनेज करना है, तो फिर मुझे फुल टाइम करना पड़ेगा क्योंकि बाजार में और भी 1000 इन्वेस्टर जो फुल टाइम कर रहे हैं अपनी टीम्स के साथ कर रहे हैं। एंड फाइंडिंग द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, बीइंग अपडेटेड अबाउट ऑल इंडस्ट्रीज, इट्स नॉट अ जस्ट लाइक साइड हसल कि मैं 20-30% टाइम में कर लूँ, तो देन आई वोंट बी एबल टू डू बेस्ट। तो हेंस मेरे को लगा कि मैं इसको हॉबी की तरह ही करना चाहता हूँ, अपना पर्सनल पैसा जहाँ मेरे को अच्छा लगेगा करूँगा एज अ हॉबी बट नॉट एज अ प्रोफेशन। अच्छा हर्ष, ये पॉइंट मतलब कैसे पता चले कि मतलब एक जब लोगों को आइडिया मिलता है तो उसमें इतना जुट जाते हैं कि दे डोंट रियलाइज कि कभी इसे गिव अप करना है या फिर कभी इसे छोड़ना है, मतलब कभी कभी आइडिया छोड़ना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो पॉइंट का पता कैसे चले? यार ये आई थिंक बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं खुद इससे बहुत स्ट्रगल किया हूँ कि समझ नहीं आता। बिकॉज एक तरफ पूरा वो नरेटिव होता है कि डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, करते रहो, लगे रहो, सक्सेस मिलेगी, और एक तरफ होता है कि भाई तुम गलत चीज़ पे लगे भी रहोगे तो कुछ मिलना नहीं है राइट, सही चीज़ आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे लिए एक फैक्टर तो ये है कि मुझे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई थिंक मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर मुझे मज़ा नहीं आता तो मेरे को वर्क की तरह फील होने लग जाता है, तो दैट इज वन। एंड ऐसा नहीं कि मतलब डेली मज़ा आ रहा है, मतलब आई गेट इट कि ग्राइंड होता है, आपको हर दिन वो काम करने में मजा नहीं आएगा, बट ऑन अ ब्रॉडर लेवल आर यू एंजॉइंग इट, डू यू वॉन्ट टू डू इट, इज अ बिग इंडिकेटर फॉर मी। सेकेंड इज कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं जिस भी आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या जिसको भी कुछ दे रहा हूँ
उसका क्या मैं सही में प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ, उसकी लाइफ में सही में इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ, वहां पे ऑनेस्ट रहना जरूरी है कि मैं कुछ बना रहा हूँ प्रोडक्ट बट यूजर की लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऑनेस्ट रहना जरूरी है। अगर नहीं आ रहा देन आई वुड रादर बिल्ड अ न्यू सोल्यूशन टू दैट सेम प्रॉब्लम इफ दैट प्रॉब्लम इज बिग इनफ, और आई विल देन मूव टू अनदर प्रॉब्लम विच इज बिग इनफ जहां मैं मीनिंगफुल इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ। तो आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू कि दोज टू सर्कल्स आर द मोस्ट, मजा आना चाहिए और जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उससे यूजर की लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए। इसके सिवा हर्ष हाउ फ्रिक्वेंटली यू टॉक टू योर कंज्यूमर्स? यार इनिशियली तो हम लोग खुद ही कस्टमर, हमने कस्टमर केयर रखा ही नहीं था तो हम खुद ही कस्टमर केयर करते थे वो एक दिन से करके। अब मेरा कम हो गया है बट आई स्टिल मेक श्योर कि मेरे फ़ोन में काफ़ी कस्टमर्स के नंबर हैं तो आजकल मेरे को मैसेज वैसेज कर देते हैं, आई एम कभी कभी बात कर लेता हूँ, तो आई वुड से वीक में एक दो बार हो जाती है पर अब उतनी नहीं होती। अच्छा सिंस आप इतना ट्रेवल करते हो मतलब कभी देखा है कि मतलब सामने कोई बंदा यूज़ कर रहा हो देन? हाँ वैसे हो जाती है वैसे दैट वे, मतलब अगर मैं यूज़र वैसे देखूँ तो हाँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरा शौक है कि मैं किराने वाले की दुकान पे गया तो मैंने उससे बात कर ली, किसी की दुकान पे गया तो बात कर ली, कभी कई बार मेरे को यूज़र भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि मुझे एक कैफ़े में गया था मैं उसके ओनर से ऐसे ही बात करता था रैंडम शॉक से, तो उसने बताया वो ओके क्रेडिट यूज़ करता है, तो एकदम से हो गया कि अरे वाह, और उसने बताया कि उसने बाकी सारी ऐप्स भी देखी हैं पर उसने ओके क्रेडिट चुना क्योंकि उसको सबसे ईजी टू यूज़ ये वाली लगी। तो हाँ इस तरह के इंटरेक्शंस भी होते हैं जब होते हैं बहुत मजा आता है, सबसे वो सबसे मैजिकल फीलिंग होती है। अच्छा अच्छा अभी तो टॉकिंग अबाउट थोड़ा फ्यूचर एंड ऑल, व्हाट आर द सेक्टर जिसमें यू बिलीव कि अभी वी हैव पोटेंशियल जहाँ पे वी कैन सी नेक्स्ट बिलियनियर्स इन इंडिया? यार मुझे तो यार फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है बिकॉज इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ अगर इकोनॉमिकली हो रही है, अगर मैं अज्यूम करूं कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है तो क्रेडिट की नीड बहुत बड़ी, क्रेडिट फ्यूल्स द इकोनॉमी राइट, और इंडिया में लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, लोग बिजनेसेस करना चाहते हैं, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, तो क्रेडिट की नीड तो बढ़ने ही वाली है। ऑलरेडी इंडिया में क्रेडिट की अनमेट नीड ही बहुत ज़्यादा है, इतने सारे बैंक्स लेंडर्स होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अनमेट डिमांड है, तो मुझे ये सेक्टर यार मतलब लगता है कि अगर इसमें कोई ढंग से काम करे तो मतलब अनगिनत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अच्छा अभी भी कभी कभी ख्याल आता है कुछ और नया बनाते हैं या फिर वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू या फिर एक कंपनी तो बना ही लिए कुछ और ही बनाते हैं? हाँ मतलब ऐसा नहीं कि एक कंपनी तो बना ही लिए, इसमें भी बहुत काम है, मतलब ऐसा नहीं कि बना ही लिए, ये इसमें भी बहुत एवरी डे बहुत काम रहता है इसको बनाने में, बट हाँ मेरे पास जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम आता है ना मेरा दिमाग चलने लग जाता है कि यार अब मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आई हैव दैट क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड, आई लाइक मतलब क्रिएटिंग थिंग्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो ये तो मेरे दिमाग में हमेशा ही चलता रहता है। ओके तो कुछ प्लान है अभी कुछ नया स्टार्ट करने का? यार नहीं है अभी तो, मतलब मैं थोड़ा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग कंक्रीट। ओके तो अभी और कुछ फ्यूचर प्लान है अभी आपके? अभी तो आप कंटेंट क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत कमाल की है मैं कह रहा हूँ आपसे मतलब सिंस आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम तो भी खोलते आपके आते ना कि हेलो फाउंडर्स यार समझ नहीं आता है आपकी रील शुरू कैसे करो, मतलब या तो टाइपिंग शुरू होती बोलने लग जाओ तो लगता है अरे यार तो कुछ आया ही नहीं, वो अपनी ड्रामेटिक्स की वजह से ना एक वो होते कि जैसे नुक्कड़ भी करते तो सुनो 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 करके अपने एक शुरू करते थे, आई थिंक वो एक है कि समझ नहीं आता, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि आते ही मेन बात क्या कर दूं, थोड़ा तो कुछ हाय हेलो बोलूं फिर हाय हेलो बोलूं तो कैसे बोलूं, तो वो थोड़ा सा वो ट्राई करता रहता हूँ। मैंने तो बोला ही ना आपको कि मतलब जैसे आप आते हो तो वो भगवद गीता में होता ना कृष्ण कि हे पार्थ कि हे पार्थ तुम ये करो तुम ये मत करो जीवन में ये देखो पूरा जीवन का जो ज्ञान देते हो वहाँ पे आके, पर मतलब इट फील्स सो गुड, मतलब अपनी लर्निंग शेयर करते हो एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आप काफ़ी सारे लोगों को रीच आउट कर रहे हो, अपील कर रहे हो एंड काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तो हाउ डू यू सी सोशल मीडिया? यार सोशल मीडिया इज अ डबल एज सॉल्ट राइट, आपको डूबना है तो डूबा भी देगी पूरा और आपको बढ़ना है तो आपको बढ़ा भी सकती है राइट, अगर आप उसको ढंग से यूज
कर पाओ तो। कई लोग होते हैं वो स्ट्रैप में फंस जाते हैं और दिन भर अपना टाइम बस वेस्ट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, तो वो डाउनहिल भी जाते हैं। पर कई लोग हैं जो सोशल मीडिया को ढंग से यूज करके बहुत ऊपर भी बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से वही है, सोशल मीडिया को ढंग से यूज करने वाला चाहिए। जैसे मैं है तो मैंने अब अपने बीच में मेरे, जब मैंने इंस्टाग्राम देखता था तो मेरे 500 फॉलोअर, मतलब मैंने 500 से ज्यादा लोगों को फॉलो किया हुआ था। तो अब मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा, वो जो 500 लोगों की वो स्टोरी अपडेट आती रहेगी और मेरे वो सबके टक 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 करके मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा। तो मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया और अब मैंने बस 20 लोगों को फॉलो किया जिनकी लाइफ में एक्चुअली मेरे को इंस्पायर करती है और जिनकी लाइफ में देखना चाहता हूँ, इंस्पिरेशन लाना चाहता हूँ, जो मुझे एक अच्छा कॉन्टेंट देते हैं जो मेरे को लगता है मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरे दिमाग में मैं कचरा नहीं डालता, राइट। तो और लेकिन मैं कौन सोशल मीडिया का वो भी यूज करता हूँ कि मैं अपना कंटेंट आउट डालता हूँ। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज द कचरा दैट कम्स इन माई हेड, नेगेटिव थॉट्स या जो भी, बाय फॉलोइंग वेरी लेस पीपल बट रेलिवेंट पीपल। ऑन द साइड आई एम मेकिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय पुटिंग आउट माई कॉन्टेंट सो दैट आई कैन ग्रो। तो आई थिंक वो ऐसा बैलेंस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हर चीज़ के पीछे मोटो क्या था? मतलब अभी आपने शायद 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया होगा, राइट? तो मोटो क्या था, मतलब कुछ पर्सनल ब्रांडिंग वैसा कुछ, या फिर लोगों को मतलब कि अपनी चीज़ें शेयर करना, क्योंकि कि क्या मोटो क्या था? तो यार वैसे मैंने 2-3 महीने पहले इंस्टाग्राम चालू किया है, एक मैं 1.5 साल प्लस से लिंक्डइन कर रहा हूँ। मेरा मोटो ये ना, नंबर वन तो यार मैं है ना, एक मुझे रियलाइज हुआ है जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ कि शुरू में शायद अपन को मनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है, बट जब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है, जब आप दुनिया थोड़ी देख लेते हो, तो आपके लिए हेल्थ, कम्युनिटी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हेल्थ तो डेफिनेटली मतलब कुछ समय से आ ही रहा था दिमाग में कि यार अगर हेल्थ ही नहीं है तो पैसा भी क्या इंजॉय कर लोगे, बट कम्युनिटी अब मेरे दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट प्ले करने लगा है कि मेरे को ऐसा लगता है, अभी मैं जयपुर में आया, अगर मेरे पास कुछ 10 अच्छे कनेक्शंस हो, अच्छे दोस्त हो, तो मेरा एक अच्छा टाइम निकलता है, मैं एक नई चीज़ें सीखता हूँ कम्युनिटी। तो मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के व्यू से मैं कंटेंट अपना डाला कि अगर मैं स्टार्टअप कम्युनिटी में लोग मुझे जाने, मेरे अच्छे कनेक्शंस बने, तो आज मैं दिल्ली भी जाऊँ तो देर आर 5 फाउंडर्स जिनसे मैं मिल सकता हूँ, नए क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, लोग किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो जान सकता हूँ, राइट। तो एक तो नंबर वन वो है। दूसरा यह है कि ओके क्रेडिट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमने ओके क्रेडिट के पेज से कई समय तक कंटेंट बनाया, लेकिन हमने कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी, ऑर्गेनिकली, पेड नहीं। वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि लोग है ना, एक कंपनी के पेज को फॉलो नहीं करना चाहते, लोग एक आदमी को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी कहानियां सुनना चाहते हैं, वो क्या बोल रहा है वो बताना, मतलब देखना चाहते हैं। इसलिए हमने ये स्ट्रैटेजी भी ली कि यार अब हम कंपनी के पेज की जगह फाउंडर फर्स्ट जाएंगे। जैसे आप तुम शादी.com का देखते होगे, अनुपम मित्तल आजकल करता है, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू फॉलो अ पर्सन, नॉट शादी.com का पेज फॉलो करके मेरे को उतना मजा नहीं आएगा। ओके क्रेडिट का पेज फॉलो करके इट्स लाइक एन अनाउंसमेंट पेज। तो वो एक स्ट्रैटेजी रही कि अगर मैं अपनी पर्सनल अकाउंट से करूंगा तो मोर पीपल विल फॉलो मी, हैंस ओके क्रेडिट विल गेट टू मोर पीपल। फर्स्ट मैंने बताया कि मेरी कम्युनिटी बनेगी, एंड थर्ड इज कि भविष्य में अगर मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कुछ भी नया बनाना चाहता हूँ, ओके क्रेडिट में कुछ करना चाहता हूँ, तो आई विल हैव एन ऑडियंस जिसको मैं वो मार्केट कर सकता हूँ, एंड आई वोंट हैव टू रिलाई ऑन पेड मार्केटिंग ऑलवेज। मैं जैसे कुणाल शाह इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट, आफ्टर फ्रीचार्ज की एग्जिट, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिल्डिंग हिज कम्युनिटी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, देखोगे तो उसने एक अच्छा फॉलोअर बेस बनाया, एंड जब उसने क्रेड लॉन्च किया तो उसने शुरू बस उसी से मार्केटिंग कर दी शुरू में, एंड दैट गेव हिम ऑल द ग्रोथ टू ग्रो इनिशियली, एंड ही डिडंट हैव टू पे मार्केटिंग, ये वो उसके पास अच्छी थी। तो आई थिंक ये है मेरा। इन इंडिया पीपल लव स्टोरीज, मतलब स्टोरीज से लोग काफ़ी कनेक्ट करते हैं, और सोशल मीडिया इज मतलब वेरी पावरफुल टूल, यहाँ पे ये ऑडियंस, एंड ऑडियंस जब कनेक्ट करती है तो अपने कुछ ही बेच सकते हो। एग्जैक्ट, बेच सकते हो या मतलब आई थिंक कनेक्शंस भी बना सकते हो एक बहुत अच्छे। और जैसे इस बार मेरे साथ हुआ, मतलब मैंने बहुत टाइम से मैं हिमाचल में रह रहा था, तो अभी मैं जयपुर आया, तो मैंने अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे डाला कि यार मैं जयपुर में हूँ, कौन मिलना चाहता है, एंड आई गॉट सो मैनी रिक्वेस्ट ऑफ पीपल वॉन्टिंग टू मीट मी कि मैंने 3 दिन फुल बुक किया।
मैं 3 दिन तक लगभग 6 से 7 घंटे लोगों से मिला हूँ, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मुझे इतनी नई चीजें देख सीखने को मिली कि लोग आजकल क्या नए स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या नए ट्रेंड्स देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फाउंडर्स को, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। एंड आई होप कि कुछ ऐसे करेक्शंस बन गए कि अब मैं नेक्स्ट टाइम जयपुर आऊंगा तो देख लाइक मैं फिर से मिलूंगा उनसे, एंड बार बार मिलूंगा तो मे भी एक अच्छा कनेक्शन बन जाए, फ्रेंडशिप डेवलप हो जाए। एंड ये जो पर्सनल ब्रांडिंग वाला जो सीन है, ये आई थिंक ये शार्क टैंक के बाद ही राउंड स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, जब शार्क टैंक आया तो काफी लोग फेमस होने लगे। आपका फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है, रोल मॉडल? यार मुझे उस तरह के फाउंडर्स अच्छे लगते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, जो मतलब जमीन से उठ के जिन्होंने असली जिंदगी वो मतलब जो वो भी देखी होती है और वहां से, जैसे एनवीडिया का जो फाउंडर है तो वो जैनिटर था, बर्तन माँजता था, झाड़ू लगाता था, और आज वर्ल्ड की लाइक एनवीडिया भी बीच में वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी। तो आई थिंक दीस काइंड ऑफ स्टोरीज रियली इंस्पायर। अभी तक तो ऐसी स्टोरीज यूएस में ही पॉसिबल थी, बट अभी इंडिया में भी ऐसी मतलब हाँ बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं मेरे को वो मतलब गूज़बम्प्स दे देती है कि यार कोई बंदा, क्योंकि मेरी लाइफ ऑनेस्टली ऐसी नहीं रही है। आई हैव बीन प्रिविलेज्ड इनफ कि मैं एक अच्छी स्कूलिंग मिली है, मेरे माँ बाप मिडिल क्लास थे तो उन्होंने अच्छी स्कूल में भेजा, IIT में हो गया, उसके बाद एक अच्छी जॉब लगी और वहाँ से मैंने शुरू किया। मैंने वहाँ से नहीं शुरू किया है कि पॉवर्टी में रह के या बिल्कुल जमीन पे रह के उठना। तो इसके सिवा हर्षा मतलब अभी तो मतलब यू आर रिच तो यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग, तो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जब अभी तक आपने खरीदी है? जैसे मैंने अभी 4 महीने पहले एक कार खरीदी है, ठीक है, एक सेकेंड हैंड कार, ओके, तो वो मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है। उससे पहले आई थिंक मेरा लैपटॉप। सेकेंड हैंड कार, ऐसा क्यों? यार मतलब मैं हिमाचल जाने के लिए, मैं रोड ट्रिप का मुझे काफ़ी शौक रहा है हमेशा से बचपन से, और मैं हिमाचल जाना चाहता था और मुझे कार खरीदनी थी उसके लिए। तो मतलब मेरे को एक तो वो हमेशा से रहा है कि आई एम नॉट श्योर मैं कार का कितना ढंग से केयर कर पाऊँगा, अगर मैं नई कार खरीद के ले जाता तो मुझे शायद ज़्यादा दुखता ना। इन हाइंड साइड मेरे को पता है कि मैंने अभी क्योंकि माउंटेन्स में दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग, तो मेरे साथ जो चीज़ें हुई, जो भी हादसे हुए, तो अगर वो मेरी नई गाड़ी के साथ हुए तो मुझे लगता है मुझे काफ़ी दुख होता यार। कितना मतलब सिमिलर थॉट प्रोसेस है, मतलब मैंने भी जूते लिए तो आई वॉज लाइक यार इसको नहीं पहनेंगे, बारिश में ख़राब हो जाएंगे बारिश के बाद पहनेंगे तो अभी वो सेकेंड हैंड कार ली तो उसके साथ मैंने जिस भी तरह से सेलिब्रेट, ऑफकोर्स उसका भी मैं केयर करता हूँ, बट फिर भी स्क्रैच लग जाता है कई बार, आपका कुछ हो जाता है, बट स्टिल उतना नहीं दुखता जितना अभी मैं नई कार ले जाके ले। तो अपने घर वर नहीं बनाए अभी? नहीं यार। तो और आपके वो मतलब इंस्टा पर भी मैंने देखा मिनिमलिस्ट, तो डू यू बिलीव इन मिनिमलिज्म ऐसा कुछ? हाँ मतलब आई एम एक्सप्लोरिंग यार, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मेरे लिए राइट टर्म क्या होगा अभी, फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं शायद मिनिमलिज्म बोलता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मिनिमल रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी कपड़े नहीं खरीदता या फोन नहीं खरीदता। आई थिंक मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ जहाँ मतलब कि जो मुझे पसंद है, कि मैं लाइफ ऐसा भी नहीं है कि इंजॉय भी ना करूँ, मतलब अगर मुझे कुछ शर्ट पसंद आ रहा है या कोई जूते पसंद आ रहे हैं तो मैं लेता हूँ, बट मैं जैसे ये मेक श्योर करता हूँ कि अगर मैंने एक शर्ट लिया तो मैं अपना एक पुराना एक शर्ट किसी को दे दूँ, तो मैं इकट्ठा नहीं करता चीज़ें। जैसे मैंने जूते लिए अभी कुछ समय पहले, तो मैंने अपने पुराने जूते किसी को दे दिए, तो मैं वो इकट्ठा नहीं करता। आई एम नॉट श्योर इफ मिनिमलिज्म इज द राइट वर्ड फॉर इट ऑनेस्टली, मतलब मैं भी फिगर कर रहा हूँ व्हाट इज द राइट वर्ड, बिकॉज मैनी पीपल थिंक ऑफ मिनिमलिज्म एज कि मेरे पास अगर है 3 शर्ट तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, या मेरे पास जो मिनिमल मुझे रिक्वायरमेंट है मैं वही रखूंगा। जैसे मेरा मन करता है कभी बाहर जाके अच्छी जगह खाने का तो मैं करता हूँ, राइट, मैं ऐसा भी नहीं कि अपना मन बिल्कुल मार के रखूंगा, लेकिन जबरदस्ती इकट्ठा नहीं करता मैं चीज़ों। अब वैसे भी यू ट्रेवल है लोड, तो फिर 2 बैग उठा के कहीं भी जाने वाला सीन रहता है। 2 बैग भी तो मुझे ज़्यादा लगने लग गए, नाउ आई एम ट्राइंग 1 बैग। के तभी तो यू आर डूइंग टू थाईलैंड? या तो इस बार मैं बैकपैक ले जा रहा हूँ एक बस। ओके तो ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।